हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास सिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स, यानी शरीर में गति। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको मैं समझा चुकी हूँ, और आज अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है जॉइंट्स के नाम और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनमें गति होती है, तो वो आप हैंड रेज के माध्यम से मुझसे इसी सेम क्लास में पूछेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। चैप्टर नंबर बॉडी मूवमेंट्स, क्लास सिक्स, बॉडी मूवमेंट्स यानी कि शरीर में क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें गति होती है। इट हैज अ राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, अ राउंडेड एंड वन बोन फिट इन टू द कैविटी। इसको क्या कहते हैं, हॉलो स्पेस यानी कि खाली जगह, अदर बोन। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, आपका शोल्डर जॉइंट्स। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आंसर क्या है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट। इट हैज अ राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। और एग्जांपल इसका क्या है, शोल्डर जॉइंट्स इसका एग्जांपल है। इसको हम हिंदी में भी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर वन को। क्या है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है। कंदुक खल्लिका संधि क्या है, है। उत्तर लिखेंगे, पहला, मानव शरीर के कंदुक खल्लिका संधि में, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी या सॉकेट जिसको कहते हैं, कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है।
गति करती है। सैंपल है, उदाहरण है कंधे की संधि। को नोट कर लेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द स्कल बोन बोन्स आर मूवेबल। आंसर करेंगे इसका, आंसर करेंगे ओनली द लोअर जॉ लोअर जॉ इन स्कल बोन्स करा दो स्कल बोन्स। हाँ बच्चों, जी जी ऐसी थर्ट्यूड, आपका हैंड रेज आ रहा है बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? श्रद्धा गौड़। श्रद्धा गौड़। वेरी गुड। क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? मैम पहला वाला क्वेश्चन फिर से करवा दो। अच्छा ठीक है मैम, ये वाला मैम इंग्लिश में। ओके। ये देखो, नोट कर लो बेटा। आपकी क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? आप लोग का एग्जाम, एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? मैम हाफेली एग्जाम तो हो गए। हाँ, तो अब उसमें कौन से चैप्टर तक आ गया? हाफयरली एग्जाम में कौन से चैप्टर तक पूछा गया था? मैम 8। 8 तक पूछा गया था, उसके आगे का आया। ठीक है ठीक है, चलो नोट कर लो। इस चैप्टर को पढ़ने का जो आपका टारगेट था वो ये था कि शरीर में आपके पाए जाने वाले चारों जॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से चार प्रकार के जोड़ आपके शरीर में पाए जाते हैं। क्या उन चारों जोड़ों के बारे में, चारों जॉइंट्स के बारे में सब बच्चों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट? चारों जॉइंट्स जो हैं वो अगर पूछे जाएं तो क्या आप बता पाओगे? आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं कि वो आपका क्लियर है कि नहीं। नोट कर लिया बेटा? जी जी ऐसे 32 क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया? नोट कर लिया, तब आगे कराऊंगी ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी है, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये हिंदी में है, कंदुकखल्लिका संधि क्या है? मानव शरीर के कंदुकखल्लिका संधि में एक अस्थि का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति कर सकती है। उदाहरण इसका था कंधे की संधि। दूसरा क्वेश्चन था, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? तो आंसर इसका लिखेंगे, ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स आर इज मूवेबल। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? निचला, जबड़ा, कपाल की गति करने वाली अस्थि है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, तो आंसर मैंने लिखा ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स इज मूवेबल। अब कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि लोअर जॉ में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है?
श्रद्धा गौर, आप जीजीआईसी 32 से बात कर रहे थे बेटा, आप ही बताओ कि कौन सा जॉइंट, कौन सी संधि प्रेजेंट होती है आपके लोअर जॉ में, निचले जबड़े में? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहले आंसर करो फिर मैं बताऊंगी आपने सही बताया कि क्या बताया। बताओ 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 बेटा, निचले जबड़े में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है जिससे आपका निचला जबड़ा मूव करता है? जीजीआईसी रामनगर में है बच्चे, जीजीआईसी 38 में है बच्चे। कोई बच्चा बताए कि जो स्कल स्कल जो होती है आपकी, खोपड़ी होती है जो कपाल, उसमें कौन सी अस्थि गति करती है? मैंने आंसर आपको लिखवाया है, ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स इज मूवेबल। तो जो लोअर जॉ यानी कि निचला जबड़ा जो होता है जिसमें आपके नीचे वाले दांत सारे अटैच होते हैं, उसमें कौन सा जॉइंट, कौन सी संधि पाई जाती है? बहुत आसान है बच्चों, बताओ। पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और आपको बस टारगेट क्या था ये चैप्टर पढ़ने का, कि चारों जॉइंट्स आप पहचान सको कि कौन से जोड़ में कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है। माइक लेके बताओ कोई बच्चा। जी जी ऐसी 38 से श्रद्धा गौड़ अपनी माइक ऑन करो बेटा। लोअर जॉ जो है, निचला जबड़ा जो है, उसमें आपका हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है, एक ही दिशा में गति करता है, आपका जबड़ा भी ऊपर और नीचे को ही गति करता है ना, ऐसे ऐसे खुलता बंद होता है। कोई दूसरा मतलब अगर आप साइड बाय साइड करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। तो इसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबड़ा। हाँ बेटा, जबड़े में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, कौन सा संधि पाया जाता है? हिंज। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? कहकशां। कहकशां, ये बताओ कि मैं पूरी क्लास से पूछ रही हूँ, मैं केवल कहकशा से नहीं पूछ रही हूँ, पूरी क्लास से पूछ रही हूँ कि आपके जो ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये सारे बच्चे अगर इसका आंसर कर पाएंगे तो समझ लो कि ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कितने तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं मैम? फोर। फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से बेटा? तालियां बजेंगी बताओ, नहीं तो मैम बता देंगी। जी जी ऐसी 38 से भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, माइक से बोलो बेटा। मैम फोर जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सकर जॉइंट। कौन बच्चे का नाम बताओ? श्रद्धा गौड़। वेरी गुड श्रद्धा गौड़। हिंग जॉइंट और फिक्स जॉइंट। हाँ, एक और जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पाया जाता है बेटा? कंधे में। मैम घुटनों में। कंधों में भी, आपके शोल्डर्स। शोल्डर्स जो हैं, आपका हाथ जहां पे जुड़ा हुआ है, देखो हाथ पूरा कंधा घूम जाता है ना जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट जहां जहां पाया जाएगा वहां पे आगे पीछे मूवमेंट होगी। ठीक है, जहां पे धुराग्र संधि पाई जाएगी, जैसे आपकी गर्दन में जहां पे एक सर्कट टाइप का होगा, उसके धुरी जैसी होगी, उसके अंदर गोल गोल घूमेगा, वो हो गया आपका धुराग्र संधि। और चौथा जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल होता है, वो होता है आपका फिक्स ज्वाइंट या अचल संधि। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर समझ में आ गया है ना, जिनको नहीं आया था उनको मैंने दोबारा से रिवाइज कर लिया। श्रद्धा गौड़ के लिए, कहकशा के लिए, और एक जीजीआईसी रामनगर में एक और बच्ची खड़ी हुई थी, उसके लिए आप लोग अपने क्लास में तालियां बजा लीजिए। क्लैपिंग करेंगे बच्चे सब इतनी तेज कि हाथ गर्म हो जाए, ठंडक बहुत हो रही है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? व्हाई आवर एल्बो नॉट
मूव बैकवर्ड्स, क्यों हम अपनी कोहनी को पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं या हमारी कोहनी पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ सकती है? आंसर लिखेंगे elbow joint is an example of elbow joint is an example of hinge joint which allows only back and फोर्थ मूवमेंट यानी आगे और पीछे का ही गति ये अलाउ करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स। देयरफॉर वी कैन नॉट मूव आवर एल्बो बैकवर्ड्स। ठीक है, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट विच अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, देयरफॉर वी कैन नॉट मूव आवर एल्बो बैकवर्ड्स। अगर पीछे की तरफ मान लीजिए किसी ने घुमाया भी तो हड्डी जो है फ्रैक्चर हो जाएगी, यानी कि जॉइंट जो है उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, पर आप इजीली अपने आप से उसको नहीं पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसी को हम हिंदी में भी कर लेंगे। हमारी कोहनी में हिंज संधि होती है, हिंज संधि होती है जो कि एक दिशा में ही गति होने देती है, एक दिशा में ही गति होने देती है जिससे केवल आगे और पीछे गति हो सकती है, इसीलिए हमारी कोहनी पीछे को नहीं मुड़ सकती, इसीलिए हमारी कोहनी पीछे को नहीं मुड़ सकती। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप जान सकते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सबसे कठोर कौन सी चीज होती है जिससे मिलकर के बना हुआ है, तो ह्यूमन स्केलेटन किससे, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया है सभी बच्चों ने? एंड्रेस के माध्यम से बता दें, ये क्वेश्चन नोट कर लिया है? नेक्स्ट चलेंगे हम। ह्यूमन स्केलेटन ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? ह्यूमन स्केलेटन किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? तो क्या लिखेंगे? बोन्स से मिलकर के, यानी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। कौन?
कंकाल, मानव कंकाल। ठीक। जो कान, आपका जो आउटर ईयर है, कान है, इसका जो ऊपरी भाग है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? ईयर का अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ ईयर, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? बाह्य कर्ण का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग किससे मिलके बना हुआ है बच्चों? सारा मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है बोन्स से, लेकिन ईयर का जो अपर पार्ट है वो बहुत कड़ा नहीं होता है ना, उसको आप मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। वो किससे बना होता है? कार्टिलेजेस से, कार्टिलेजेस, जिनको क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इससे बनी होती है उपास्थि से। ठीक। क्वेश्चन एक आप कर ही चुके हैं कि आपका कौन सा जबड़ा, कौन सा जॉ हिलता है या मूव कर सकता है, तो वो कौन सा जॉ मूव कर सकता है आपका? आप कोई भी चीज का आंसर करने के लिए आप खुद मूव करा के देखो, आपका अपर जॉ किसी भी कोशिश के बाद मूव नहीं करेगा, आपका केवल लोअर जॉ मूव करता है। जो निचला जबड़ा है उसी में गति होती है, आपके अपर जॉ में, ऊपर वाले जबड़े में कोई भी गति होती नहीं है, है ना? तो ये आपका हो गया। अच्छा, संधि, जॉइंट्स किसे कहते हैं? ऐसी जगह पे जहां पे दो हड्डियां जुड़ी होती हैं आपस में, उनको आप संधि या जॉइंट्स कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी। और एक और चीज लिख सकते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी। ठीक। आपका ईयर बोन जो है वो सबसे छोटी हड्डी है, ये नोट कर लेंगे बच्चों। आपकी उंगलियों में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? जॉइंट्स प्रेजेंट इन योर फिंगर्स, जॉइंट्स प्रेजेंट इन फिंगर्स। फिंगर्स में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? अब मूव करके देखो, मूव करके देखो, उंगली कैसे गति कर सकती है? केवल जैसे आपकी कोहनी गति करती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी उंगली मूव करती है। आपकी उंगली बैकवर्ड यानी पीछे की साइड में मूव नहीं करती है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो उंगलियों में भी कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होगा? हिंज। हिंज का मतलब पता है आपको? हिंज का मतलब होता है कब्जा। हिंज का मतलब होता है कब्जा, किसका? दरवाजे का कब्जा, दरवाजे का कब्जा। दरवाजे में कब्जा लगा होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे दीवार है, से चौखट है, ऐसे मान लो यहाँ पे चौखट है, तो चौखट में जब दरवाजा लगा होता है, दरवाजा, तो यहाँ पे तीन कब्जों से वो दरवाजा जुड़ा होता है, ऐसे। इन्हीं कब्जों के कारण दरवाजा बाहर एक ही समान दिशा में गति करता है, तो उसको हिंज कहते हैं कब्जे को। तो कब्जे वाला जोड़ जो होगा वो आपका हिंज जॉइंट कहलाएगा, जिसमें कैसा? एक ही दिशा में गति होगी, मतलब उसकी फिक्स डायरेक्शन होगी, ऐसे इधर को जाएगा, फिर इधर को, फिर इधर को, एक इधर को, इसका फिक्स जगह होगा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दरवाजा बिल्कुल बाहर की तरफ, उस जिस तरफ के लिए खुल रहा है उसी तरफ के लिए वो खुलेगा, तो उसको कहेंगे कि एक ही
दिशा में गति करेगी और वो दिशा फिक्स होगी, दिशा में तय प्रकार से ही गति करेगी। बच्चों ने शरीर में पाए जाने वाले सभी जॉइंट्स में लिख लिया था कि इसमें कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया था कि आपकी एड़ी में, हील्स में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, आपकी पैरों की उंगलियों में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, आपकी बैक में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, आपके सिर में, कोहनी में, आर्म्स में यानी कि भुजाओं में, आपकी नेक में, गर्दन में या कलाई में, उंगलियों में और नीज में, इसमें सब में कौन कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये सब आपने लिख लिया था ना। तो इसका मतलब कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी भी इस चैप्टर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही पार्टिसिपेट करा करिए, भाग लिया करिए कक्षा में जब पढ़ाया जाता है। जॉइंट्स के बारे में आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उनको भी अच्छे से आज समझ में आया होगा, क्योंकि आज बच्चों से बातचीत हुई तो क्लास में एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब बच्चों से बातचीत होती है तो मैम को ये समझ में आ जाता है कि आपको किस लेवल तक का समझ में आ गया है। श्रद्धा गौड़ और कहकशा के लिए तालियां बजवाई थी मैंने, और सभी बच्चों के लिए तालियां जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास में मन लगा के पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी मन लगा के उनको देख करके पढ़ेंगे। आज के सेशन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बॉडी मूवमेंट्स। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अगले सेशन में मुझसे फिर से एक बार पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।